ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, इस बार तो बीजेपी सबूत के रूप में आपके खिलाफ एक स्टिंग भी करके लाई है, जिसे लेकर सोमवार को एक पत्रकार वार्ता के बाद सार्वजनिक कर दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसके रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें भेज देना, हम सच दिखा देंगे। सच तो सबके सामने है, मनीष सिसोदिया ने इस घोटाले में मोटा माल कमाया है। आपको बता दे, भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए एक वीडियो जारी किया। भाजपा ने इस वीडियो के जरिए ये दावा किया है कि नई शराब नीति से सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले के आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा के इस वीडियो ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कल्पना कीजिए कि दोनों ने शराब माफियाओं और बिचौलियों से कितना काला धन इकट्ठा किया, जबकि दिल्ली को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं स्टिंग जारी करने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से 5 सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने स्टिंग के जरिए उन्हें एक्सपोज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। शराब कमीशन और घोटाला, इसको लेकर दिल्ली में विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली की जनता ने आंदोलन किए, और जिस प्रकार से शराब नीति में मोटा माल मनीष सिसोदिया जी ने कमाया, जिस प्रकार से कमीशन का खेल हुआ, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और कई सवाल हमने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से पूछे। सिर्फ मेमोरी को फ्रेश करने के लिए मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी जिसके कारण एक नई शराब नीति लाई गई, और नई शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने आखिरकार क्यों फेंका दिया। चौथा सवाल हमने पूछा था कि कानून के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते, उसके बावजूद आपने अपने मित्रों को बुला करके जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको आपने रिटेल में काम कराया। पांचवा सवाल हमने यह भी पूछा था कि क्या कारण थे कि पहले जो फायदा या कमीशन ठेकेदारों को 2% का मिलता था उसे आपने 12% में तब्दील किया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ठेकेदारों को बहुत फायदा हुआ। बीजेपी ने दावा किया कि आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहाँ तांडव चल रहा है। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से, आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। संबित पात्रा ने आगे कहा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि 100 करोड़ की गाड़ी आएगी तो 12 करोड़ कमीशन होगा, 12 करोड़ में से 6 करोड़ उसी दिन जाके मनीष सिसोदिया को देना है। अब हमें समझ में नहीं आता था कि ये 6 करोड़ कोई छोटा रकम तो नहीं है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करें ब्लैक मनी, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, नोट में देने हैं। तो आप सोचिए किस कदर यहाँ लूट मची हुई थी, आज इसका खुलासा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल जो नई शराब की नीति लाए,
और उसके बाद उस शराब नीति के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है वो आज किसी से छुपा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल कहते थे 7 साल बेमिसाल, मैं ये कहूंगा कि 7 साल बेमिसाल नहीं, हर साल एक नए घोटाले का साल हो गया है। केजरीवाल ने नई शराब नीति लाकर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार से जितने सवाल हम करते थे उन सभी सवालों के जवाब इस स्टिंग ऑपरेशन ने दे दिया है। आज ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो क्यों शराब व्यापारियों को दिया जाता था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में घुसकर इनके पास जाना होता था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।